हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित कुमार, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। राजीव अनसॉल्व पेपर का चैनल, इसके लिए हम गणित का अनसॉल्व पेपर हल कर रहे थे। 2017 का सेट नंबर 7 यहाँ शुरू करना है। सेट नंबर 6 तक के हमने हल कर लिए है, उसके वीडियोस लिंक चैनल पर है, आप जाकर वहाँ पर देख सकते हैं। और अभी हम शुरू करने वाले हैं 2017 के सेट नंबर 7 को। तो चलिए बारी बारी से शुरू करते हैं पहले प्रश्नों को पढ़ते हुए। दोस्तों, जो यहाँ पे पहला प्रश्न हमको दिखाई दे रहा है वो है, आज कुछ साफ सुथरा दिखाई दे रहा है। दिन में वीडियो बना रहा हूँ भैया, रात में वीडियोस, मतलब कुछ दिनों से दिन में फुर्सत नहीं मिलती थी, केवल रात में फुर्सत मिलती थी। इस वजह से मोबाइल की लाइट में जितना कुछ हो पाता था उतना साफ सुथरा दिखाई देता था। अभी यहाँ पे प्रश्न है पहले का घ। 20 निरीक्षणों का समांतर माध्य 30 है, इसका बीजगणितीय योग। आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो समांतर माध्य होता है वो होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो यहाँ पे अगर हम करते हैं क्या मिलेगा भैया, देखिए समांतर माध्य बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। बहुत सिंपल सा काम है। समांतर माध्य यहाँ पे दिया गया 20 निरीक्षणों का समांतर माध्य 30 है, तो समांतर माध्य की जगह 30, योग की जगह योग ऐसे खाली छोड़ देंगे। पदों की संख्या 20 समान 20 निरीक्षणों का, तो 20 यहाँ पे हो गया। अब इसका योगफल याद करना है, तो योग बराबर क्या हो जाएगा भैया, 20 और 30 का गुणा, तो योग बराबर हमको मिल गया है 3 × 6 और 600 यहाँ पे मिल गया योगफल। तो इसका जो उत्तर आ गया वो हो गया है 600। यहाँ पे हमने देख लिया ऑप्शन नंबर 4 सही है। उसके बाद दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। दूसरे प्रश्न में का और खा दिखाई दे रहे हैं, एक एक नंबर प्रश्न है। दिया गया है वर्ग समीकरण। वर्ग समीकरण का अर्थ होता है जैसे द्विघात समीकरण, तो वहां पे दो घात है, द्विघात को वर्ग भी कहा जाता है, स्क्वायर भी कहा जाता है। तो वर्ग समीकरण या द्विघात समीकरण एक ही बात हुई। 3x² - 4x और -6 बराबर 0 का विविधकर ज्ञात कीजिए। विविधकर मतलब डी ज्ञात करना होता है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो इसको थोड़ा अच्छे से अगर आपको लिखना है तो लिखेंगे, प्रश्न संख्या आप डाल लेंगे, लिखेंगे वर्ग समीकरण या द्विघात समीकरण। वर्ग समीकरण जो भी दिया गया है 3x² - 4x - 6 बराबर 0 की तुलना ax² + bx + c बराबर 0 से करने पर, ऐसा लिखना पड़ेगा, ये अच्छा रहता है। तो यहाँ पे करने पर क्या मिल जाएगा हमको, a बराबर 3 मिल जाएगा, b बराबर -4 मिल जाएगा, c बराबर -6 मिल जाएगा। और यहाँ पे हमको विविधकर निकालना है, तो यहाँ पे लिखेंगे विविधकर, पता नहीं विविधकर पता नहीं क्या कहा जाता है इसको, मुझे लगता है कि मैं प्रोनाउंसिएशन सही से नहीं कर पाता इसका। तो विविधकर d बराबर हो जाएगा b² - 4ac, ये हमको निकालना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे b की जगह पे -4 अपना रख दिया, माइनस लगाया 4 लिखा, a यानी कि 3 लिखा, c की जगह पे -6 लिख दिया। यहाँ पे 4 का वर्ग करेंगे, 4 × 4 = 16 हो जाएगा प्लस में, और यहाँ पे माइनस 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 प्लस हो जाएगा, 4 × 3 = 12, 12 × 6 = 72। तो ये मिल जाएगा 4 × 3 = 12, 12 × 6 = 72, ठीक है 12 × 6 = 72। हाँ ठीक है, तो जोड़ देंगे तो कितना मिल जाएगा, यहाँ पे 6 × 2 = 8 और 7 × 1 = 8। तो यहाँ पे जो 88 मिला है, यहाँ पे थोड़ी सी गलती हुई है, डी का मान 76 दिया गया है, तो क्या मुझसे गलती हुई, b² - 4ac - 4ac। ओके जी, तो मैंने क्रॉस चेक कर लिया है, मुझे कहीं पर तो कोई गलती दिखाई नहीं दे रही है। फिर भी अगर किसी को गलती इसमें मिलती है, 88 की जगह आपको 76 जो कि उत्तर दिया गया है ये मिलता है, तो बताइएगा कमेंट करके। मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पे कहीं पे भी कोई गलती हुई हो, कि बी की जगह पे हमने कुछ और रखा है, बी की जगह पे -4 रखा है, 4ac होना चाहिए, ए की जगह 3 रखना है, सी की जगह पे -6 रखना है, जैसा दिखा है वैसे लिखा है। तो यहाँ पे 6 × 12 = 18, 18 × 36 = 72 होता है, ये सही है, माइनस माइनस प्लस होता है, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, इनको जोड़ने पे 6 × 2 = 8 मिलेगा, 76 तो मिलना नहीं है, शायद 72 में 4 जोड़ा है इन्होंने,
तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी होता है, फोर ए सी होता है, बी अकेले तो होता नहीं है, माइनस बी नहीं, ठीक है। ओके, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं इस पर, यही सही है। 76 अगर किसी को मिले तो बताइएगा। फिलहाल अगले प्रश्न में चलते हैं। निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करना है। बहुलक ज्ञात करने के लिए इन आंकड़ों को हम क्या करेंगे, लिखेंगे आंकड़ों का आरोही क्रम, आरोही क्रम या अवरोही क्रम। तो इसको करने के लिए प्रश्न संख्या तो डाल लेंगे, साथ में लिखेंगे आंकड़े, आंकड़े आंकड़े जो दिए गए हैं, जैसे 18 दिया गया है, 38 दिया गया है, 25, 36, 38, 25, 18 और 38, 25 और 19 और 25 ये दिया गया है, ये आंकड़े हो गए। अब इसका बहुलक ज्ञात करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे आंकड़ों का आरोही क्रम, आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम में। सबसे छोटी गिनती हम लिखेंगे, 18 हमको सबसे छोटी गिनती मिली थी, और यहाँ पे हम निशान लगाते जाएंगे, पेंसिल उठाएंगे, पेंसिल से निशान लगाते जाएंगे जो हम लिख चुके हैं। जैसे ये 18 हो चुका है, यहाँ पे देखेंगे और 18 दिखाई दे रहा है, उसके अलावा कोई 18 नहीं है, तो यहाँ पे हमने निशान लगा लिया। उसके बाद हमको 19 मिल रहा है, तो हम 19 पे निशान लगाएंगे, 19 और कोई नहीं है, तो वहाँ पे 19 लिख देंगे। उसके बाद आ जाता है कौन, आ जाता है 19 के बाद 20, 21, 22, 22 के साथ में 25 हमको मिलता है, 25, 25 और 25, 25, 4 to 25 मिलते हैं, 4 बार 25 हम लिख देंगे। और उसके बाद यहाँ पे 38 और 36 दिखाई दे रहा है, 38 दिखाई दे रहा है, 36 दिखाई दे रहा है, 36 पहले लिखते हैं, यहाँ पे 36 लिख लिया, फिर 38 तीन बचते हैं, उनको हम लिख लेते हैं 38 38 38। तो यहाँ पे एक बार हम क्रॉस चेक कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है, करेक्ट है। यहाँ पे हमको सबसे ज्यादा बार क्या दिखाई दे रहा है, 25 दिखाई दे रहा है, यहाँ पे हमको लाइन नहीं खींचनी है, 25 सबसे ज्यादा बार दिखाई दे रहा है। यहाँ पे लिखेंगे चूंकि 25 की पुनरावृत्ति कैसे लिखा जाएगा, सर्वाधिक 4 बार हुई है, इसलिए आंकड़ों का बहुलक पच्चीस है। तो ये हो गया हमारा आंसर, ऐसे हमें इसको लिखना है। अगली सवाल जो है वो तीसरी सवाल है, यहाँ पे हमको दिखाई दे रही है, थोड़ा जूम करना चाहिए मुझे तो। ओके, तो यहाँ पे जो प्रश्न है, एक लंबवृत्तीय बेलनाकार स्तंभ की त्रिज्या दी गई है, ऊंचाई दी गई है, 25 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से स्तंभ के वक्र पृष्ठ पर पिंड कराने का व्यय की गणना कीजिए। तो इस प्रश्न को हम पहले इसकी त्रिज्या लिखेंगे, ऊंचाई लिखेंगे, और बेलन है तो इसका वक्र पृष्ठ निकालेंगे, उसके बाद 25 से गुणा कर देंगे तो हमको उत्तर मिल जाएगा। तो इसको हम हल करने के लिए इसको पहले ऐसे लिखेंगे बहुत अच्छे से, एक चित्र भी बनाना चाहे तो बना सकते हैं, बहुत प्यारा सा स्तंभ बना देंगे। तो यहाँ पे इसकी ऊंचाई दी गई है, कितनी दी गई है, 6 मीटर दी गई है, आधार की जो त्रिज्या दी गई है वो 21 सेंटीमीटर दी गई है। अभी बात समझ में आनी चाहिए ये कि हमको दिया गया है जो रुपए, 25 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से पेंट करना है, तो यहाँ पे जो सेंटीमीटर में त्रिज्या दी गई है, तो याद रखना है कि हम अगर इसको मीटर में बदल देते हैं तो बेहतरीन तरीके से हमको जो वक्र पृष्ठ है वो मीटर में मिलेगा, और मीटर में मिलने के बाद हम आसानी से 25 से गुणा करा सकते हैं, क्योंकि सेंटीमीटर में रखना थोड़ा सा दुखदाई होगा क्योंकि हमको बाद में बदलना ही पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, ये तीसरे का ग है भैया, प्रश्न संख्या अच्छे से लिख लेंगे। यहाँ पे है कि लंबवृत्तीय बेलनाकार, यहाँ पे लिखेंगे बेलनाकार स्तंभ
स्तंभ की त्रिज्या, आधार की त्रिज्या जो है वो दी गई है 21 सेंटीमीटर। हम क्या करेंगे, 21 सेंटीमीटर को पहले मीटर में कन्वर्ट करते हैं, तो 21/100 करेंगे तो ये मीटर में बदल जाएगा, और आगे लिख देंगे चूंकि 1 मीटर = 100 सेंटीमीटर। तो आपके पास ये काफ़ी जगह रहेगी, तो चित्र थोड़ा दूर भी बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे कोष्ठक सही से लगाना होगा। तो इतना बन जाने के बाद हम यहाँ पे लिख सकते हैं 0.21 मीटर, भी दशमलव में लिखना चाहिए लिख देंगे, और इसकी ऊंचाई दी गई है, ऊंचाई लिखेंगे ये r बराबर है, ये भी लिख लेना चाहिए, तो r बराबर ये मिल गया है। ऊंचाई हम h बराबर लिखेंगे, कितना दिया गया है 6 मीटर। तो अब आ जाते हैं वक्र पृष्ठ पे, तब बेलन का वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ, तो यहाँ पे वक्र पृष्ठ होता है 2πrh, तो 2 रखते हैं और पाई का मान 22/7 रखते हैं, और आर का मान ये रख देते हैं 0.21 गुणते एच का मान जो मिला अपना 6 रख देते हैं, 6 से काटेंगे, 7 में 6 3 18 तो यहाँ पे 3 में 7 3 21 3 मिल गया। अब इनको गुणा कराएंगे, 22 2 44 होता है, 6 2 12 6 3 18 होता है, एक अंक पे दशमलव लग जाएगा। अब इन लोगों को गुणा कराते हैं, गुणा कराने के लिए 44 को ऊपर लिखा, नीचे लिख दिया गुणते 18, और चाहे तो और भी तरीके हैं लेकिन अभी गुणा करते हैं ऐसे ही। 18 2 36 18 54 18 72 कदो हंसे लगे 7 18 72 72 7 72 7 क्या हो जाएगा 79 79, एक अंक पर दशमलव लग जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना 69.2 मीटर स्क्वायर। तो ये मिल चुका है हमको पृष्ठीय क्षेत्र पर। अब आगे लिख देंगे चूंकि पेंट करने का व्यय, पेंट कराने का जो व्यय है वो है ₹25/m², इसलिए कुल खर्च जो बैठेगा वो बन जाएगा 79.2 × 25 से गुणा कराएंगे। अब यहाँ पे 25 2 50 0 हाँ से लगे 5, ठीक है, 25 2 50 डायरेक्ट करते हैं, 25 2 50 हाँ से लगे 5, 25 9 कितना होता है, 25 9 होता है 225, भाई 25 9 225 होता है, ठीक है वैसे ही गुणा कर लेते हैं, 7 9 2 नहीं आ रहा है, 5 2 10 9 9 5 45 1 46 हाँ से लगे 4, और 7 5 35 35 4 35 4 39 39, और 2 से काटेंगे 2 2 4 2 9 18 और 7 2 14 1 15, तो यहाँ पे मिला 0, यहाँ पे मिला 0, यहाँ पे मिला गया 9 9 18 8 हाँ से लगे 1 और 5 3 8 1 9 और 1, एक अंक पे दशमलव लग जाएगा। तो यहाँ पे टोटल मिल जाएगा हमको 1 9 8 और यहाँ पे 0, एक अंक पे दशमलव लगा। तो यहाँ पे कुछ गलती हो रही है क्या, शायद उत्तर दे रहा है 198 और हमारा आ रहा है 1980, तो कहीं ना कहीं तो कुछ गलती की है। ओके, यहाँ पे गलती की है, भाग गलत है, ये यहाँ पे दो अंकों पे 0 दशमलव रखना चाहिए था। क्यों ऐसा होना चाहिए था, क्योंकि होता क्या है जब हम 7 से भाग करते हैं 21 दशमलव में है, तो यहाँ पे देखिए दशमलव लगेगा, एक गिनती पकड़ेंगे, दोनों गिनती पकड़ने के लिए 0 लगाना पड़ता है, तब 7 3 21 बनेगा। तो यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, तो दशमलव यहाँ पे कुछ लगेगा यहाँ पे ना लग करके, और यहाँ पे लगेगा यहाँ पे ना लग करके, और यहाँ पे जब लगा होगा तो यहाँ पे लगेगा इतना रुपये यहाँ पे ना लग करके। सो ये हो गया हमारा आंसर, तो थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो दोस्तों, जो अगला प्रश्न है वो कुछ इस प्रकार का है कि चौथे का ग है,
कह रहे हैं कि एक लंबवृत्ति संघ की ऊंचाई उसके आधार के त्रिज्या के बराबर है, उसका आयतन दिया गया है और शंख की हमको ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो ऐसी स्थिति में जबकि शंख की आधार की त्रिज्या और ऊंचाई बराबर है, तो हम मान लेंगे दोनों की जो भी लंबाई है ऊंचाई है दोनों x के बराबर मान लेंगे, तो बेहतर तरीके से हो जाएगा। तो करते हैं पहले इसको, कैसे करेंगे, लिखेंगे सबसे पहले लंबवृत्ति शंकु, ये चौथे का गा है, लिखेंगे लंब वृत्तीय शंकु। ये जो लंबवृत्तीय शंकु है इसकी की यहाँ पे लिखना पड़ेगा माना ऊंचाई, इसकी ऊंचाई h मानते हैं लेकिन अभी x मान लेंगे, सब सेंटीमीटर में चला है सेंटीमीटर में लिखेंगे। x क्यों मानेंगे, क्योंकि उसके बराबर ही लंबाई उसके आधार के त्रिज्या भी है, तो यहाँ पे लिखेंगे तथा आधार की जो त्रिज्या है वो भी मान लेंगे x सेंटीमीटर। अब लिखेंगे चूंकि शंकु का जो आयतन दिया गया है वो है 9 सेंटीमीटर क्यूब, आयतन क्यूब में होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा इसलिए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर 9 पाई, और यहाँ पे 1/3 पाई ऐसे रहने देते हैं, आर का मान एक्स स्क्वायर गुणते एक्स बन जाएगा, यहाँ पे 9 पाई बन जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, 3 उधर गुणा हो जाएगा, यहाँ पे एक्स क्यूब बन जाएगा बराबर 9 × 3 = 27 बन जाएगा। एक्स बराबर निकालेंगे घनमूल 27 बनेगा, और ये क्या बन जाएगा यक्स बराबर, ये 3 × 9 = 27 होता था, तो यहाँ पे 3 मिल जाएगा सबको सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर में यहाँ पे लिखेंगे था शंकु की ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है, तो ये हो गया हमारा उत्तर। ओके, समझ में आया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न जो है वो है चौथे का घ, यहाँ पे हमें सिद्ध करना है कि cot a प्लस cos a और यहाँ पे अपॉन cot a प्लस सॉरी ऊपर माइनस है नीचे प्लस है, cot a प्लस cos a है बराबर cos a के -1 और अपॉन cos a के +1, ऐसा सिद्ध करना है। तो ये छोटे से सवाल है, आपको इसमें समझना चाहिए कि बस एक ही प्रकार चलता ही है यहाँ पे सिद्ध करने के लिए कि जो भी पद दिए जाते हैं उनको साइन और कॉस के पदों में बदल दिया जाए तो काम हो जाता है। तो इसको हल करने शुरू करते हैं, हल करने के लिए पहले बात तो सवाल को उतारना ही होगा। ये चौथे का घा है और हमें सिद्ध करना है कि cot a माइनस cos a अपॉन cot a प्लस cos a, इसके बराबर है cosec a -1 और cosec a +1, ऐसा सिद्ध करना है। तो LHS से जब शुरुआत करेंगे, LHS से हम लिखेंगे यहाँ पे, तो cot बराबर देखिए cot a, पहले तो हमको सवाल को उतार लेना होगा हल करने के लिए, मैं चाहे तो ना उतारता तो भी ठीक था लेकिन अब उतार दिया तो उतार दिया, आपको समझाना भी तो है। तो यहाँ पे cot बराबर होता है क्या cos अपॉन sin, तो यहाँ पे cos अपॉन sin बन गया, माइनस है cos a और यहाँ पे बन जाएगा cos a अपॉन sin a और यहाँ पे प्लस cos a है, बस हो गया काम। यहाँ पे लिख देना है चूंकि cos नहीं cot a बराबर होता है cos a अपॉन sin a, ऐसे में हम क्या करेंगे यहाँ से cos को कॉमन ले लेंगे ऊपर, तो यहाँ पे cos a हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 अपॉन sin a आपको दिखाई दे रहा है -1 है, और यहाँ पे नीचे क्या मिलेगा यहाँ पे cos भी, यहाँ से भी cos कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 1 अपॉन sin बचेगा, sin a बचेगा और यहाँ पे +1 ये 1 अकेले बचेगा, यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, cos से cos कैंसिल हो जाएगा। अब 1 अपॉन sin बराबर क्या होता है, होता है cosec a और यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1 अपॉन sin बराबर ये भी होता है cosec a अब +1। अब यहाँ पे लिख देंगे चूंकि 1 अपॉन sin a बराबर cosec a ऐसा होता है, बस ये हो रहा है, RHS के बराबर करना था सिद्ध हो गया, काम खत्म हुआ। सो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, अगर समझ में आया तो लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा।
चैनल को थोड़ा और बढ़ा कीजिए। अभी तो सब्सक्राइबर की संख्या भी आपको दिखाई देती है कि कितनी है, तो 500,000 तक पहुंचा दीजिए कम से कम, इनकमिंग शुरू हो जाए, उसके बाद फिर बात की बात तो है ही, चलता रहेगा धीरे धीरे। आपके लिए इंटरमीडिएट की जो इंटर की 11 की किताबें हैं उनको हल करवाना तो अभी उतना ज़्यादा मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि मैंने अभी पढ़ाई भी नहीं की उसको पढ़ाना। देखिए हाई स्कूल तो पढ़ाना बड़ा आराम से हो जाता है, इंटर पढ़ाना थोड़ा मुश्किल होता है, मैंने कभी पढ़ाया नहीं है इंटर को। सो हो जाएगा, देखेंगे। वैसे अभी हाई स्कूल तक ही ढेर सारी चीज़ें हैं जो समझाना आपके ज़रूरी है, आपको भी समझना चाहिए, तो आपके लिए कुछ अच्छी बातें तो ज़रूर लाता रहूँगा। वैसे कुछ ब्लॉग्स डालते रहेंगे, कुछ दिखाते रहेंगे, कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट तो चलता ही रहेगा। अभी साइंस के कुछ एक्सपेरिमेंट करने वाली चीज़ें शुरू करना चाहता था मैं इसी चैनल पे, तो वो भी शुरू करूँगा। तो आप सब्सक्राइब करके रखें क्योंकि आपके लिए जानकारी वाली चीज़ें तो ज़रूर लाऊंगा। और कुछ प्रयोग रहे थे विज्ञान में, जैसे कि जितने भी मोटर वोटर बनाना, तो एक्चुअली में कुछ लोग कुछ वीडियोस हैं जो मोटर बनाने के लिए दिखाती हैं, मैं सच में बता के दिखाऊंगा कि भैया कैसे मोटर बन सकती है, या फिर कुछ और भी एक्सपेरिमेंट जो होते हैं जो यथासंभव किए जा सकते हैं। सो वो चीज़ें दिखाएंगे अगर हो सका संभव तो। तो फिलहाल उसके लिए तो चैनल को थोड़ा और बड़ा, इससे जब तक इनकम नहीं हो पाती है तब तक ग्रो कर पाना थोड़ा मुश्किल है। अभी ये वीडियो भी मैं इसके दोबारा शूट कर रहा हूँ क्योंकि रात में मैंने ये वीडियो बनाई थी और जब इसको बंद किया रिकॉर्डिंग, तो जो प्रोडक्ट निकला, जो वीडियो बना, वो ख़राब था, बेकार था, मोबाइल सपोर्ट नहीं कर रहा था, यानी कि वो वीडियो बना ही नहीं, मैंने आधे घंटे एक घंटे की मेहनत बेकार हो गई। तो ये दोबारा बन रहा है, 5 बजे तक प्रश्न, रात में ही ये वीडियो आ जाता, लेकिन जब हो ही गया, मोबाइल ही साथ नहीं दी तो क्या किया जाए। खैर वैसे मोबाइल भी पुरानी हो चुकी है, अभी वो भी लेना है, बहुत कुछ करना है। तो अब से बस इतना सा है कि आप इतना से करें कि वीडियो को लाइक कर दें, रिक्वेस्ट है आपके आपसे कि लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर लें चैनल को, अगर आपने नहीं किया है शेयर कर दें और देखा करें थोड़ा सा। खैर चलिए अभी देखते हैं, इसको शुरू करते हैं, समझते हैं, 5वें प्रश्न पर चलते हैं। 5वें प्रश्न में थोड़ा जूम करें और अच्छे से दिखाई देना चाहिए। ओके सो यहाँ पे जो प्रश्न हमको दिखाई दे रहा है 5वें का, कह रहे हैं दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग दिया गया है और उनके परिमापों का अंतर दिया गया है, तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात करना है। तो ऐसे में अगले प्रश्न जो है, ये हमको दोनों वर्गों की भुजाओं को मान करके उनके शर्त के अनुसार कुछ समीकरण बना के हल करना होगा। तो चलिए करते हैं, तो जी इसको शुरू करते हैं। यहाँ पे दो वर्गों के बारे में बात की जा रहा है, देखेंगे। माना पहले वर्ग की भुजा, ये क्या मान लेते हैं, ए, यहाँ पे मीटर में चल रहा है तो ए मीटर मान लेते हैं, लिखते हैं, तथा दूसरे वर्ग की भुजा, इसको मान लेते हैं बी मीटर, ये ए हो गया, ये बी हो गया, लिखेंगे प्रथम शर्त के अनुसार। प्रथम शर्त में दिया गया है और दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का योग, वर्गों के क्षेत्रफलों का योग ये दिया गया है 4, 6, 8 मीटर स्क्वायर। ऐसे में हम बना देंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अगर उसकी भुजा ए है तो ए स्क्वायर उसका वर्ग का क्षेत्रफल हो गया, बी है तो बी स्क्वायर उसका क्षेत्रफल हो गया, दोनों का योगफल 4, 6, 8 बन गया और बस इतना सा हो गया समीकरण नंबर एक। दूसरा पे आ जाते हैं, लिखेंगे द्वितीय शर्त के अनुसार। द्वितीय शर्त में जो दिया गया है वो है कि इनके परिमापों का अंतर, उनके परिमापों का जो अंतर है
वो दे रखा है 24 मीटर। ऐसे में ये 4a इसका परिमाप माइनस 4b इसका परिमाप बराबर 24। मान लेते हैं a वाला जो है वो बड़ा है, b वाला छोटा है। यहाँ पे अगर हम 4 कॉमन लेते हैं तो a माइनस b मिल जाता है, बराबर हो जाता है 24। 4 छंग 24 मिल जाता है, a माइनस b बराबर 6 मिल जाता है। ये समीकरण 2 हो जाता है, समीकरण 2। और यहाँ पे थोड़ा सा हल करते हैं, इसी को 2 बनाए कि या फिर पता नहीं क्या बनाए, लेकिन यहाँ पे 6 प्लस बी मिल जाता है। अगर हम इसको 2 बना देते हैं ज़्यादा बेहतर रहता है। अब यहाँ पे ए का मान समीकरण 1 में रखने पर ये बेहतरीन काम हो जाएगा। समीकरण 1 में देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए की जगह पे रख देंगे अपना 6 प्लस बी, इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर, तो ये है बराबर 4 6 8 है। ऐसे में हम क्या करेंगे, यहाँ पे होल स्क्वायर लगेगा, तो 6 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 गुणते 6 गुणते बी बनेगा और प्लस बी स्क्वायर तो ये है बराबर 4 6 8 हो जाएगा। अब आपको क्या लगता है, यहाँ पे होता है क्या, बी स्क्वायर जुड़ जाएगा 2 बी स्क्वायर बन जाएगा, और यहाँ पे 2 है, 2 छंग 12, 12 बी अच्छा छंग 36, इसको अलग रखते हैं। देखिए घटते क्रम में घातों को लगा देना चाहिए, बहुत अच्छा हो जाता है। और इसको इधर ला देते हैं, माइनस 4 6 8 बन जाता है, बराबर 0 हो जाता है। तो अभी क्या लगता है आपको कि यहाँ पे 2 बी स्क्वायर है प्लस 12 बी है, इन दोनों का निपटारा होगा। ये माइनस में ये प्लस में तो घट जाएगा, 8 में से 6 गया 2 बचेगा, 6 में से 3 गया 3 बचेगा, यहाँ पे 4 तो 4 ही रहेगा, ये गिनती बड़ी है माइनस लगाएंगे बराबर 0 हो जाएगा। अभी 2 से सब लोग कट सकते हैं, तो यहाँ पे दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर, तो जब भाग देते हैं तब क्या मिलता है, तो यहाँ पे बी स्क्वायर मिल जाता है, यहाँ पे इसका आधा 6 बी मिल जाएगा और इसका आधा 216 बराबर 0। गुणा करने पे 216 और जोड़ने घटाने पे 6 मिल जाए। ऐसी गिनती निकालने के लिए आपको तरीका बताया रखा है, ये रफ में करना है, कोई यहाँ पे नहीं करना है। मैं पीछे क्या करूँ, अभी यहीं पे डायरेक्ट करते हैं। 2 से काटेंगे, 2 एक कम 2 और 2 अट्ठे 16, एक ही 0 लगने के बाद आएगा, ठीक है। 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10, 2 चौके 8। 2 से काटेंगे, 2 दुनिया 4 और 2 सत्ते 14। अब ट्राई करके देख लेते हैं, 2 दुनिया 4 दुनिया 8 और 27 में 8 घटाने पर तो नहीं मिलने वाला 6, और 3 से काटेंगे तो 9 मिल जाएगा, 3 दुनिया 6 दुनिया 12 दुनिया 24, 24 में 9 घटाने पर 6 नहीं मिलने वाला। तो कुल मिला के यहाँ पे डायरेक्ट ऐसे नहीं मिलता, अभी नहीं मिला। देखिए होता क्या है कि कई बार मैं ऐसे, जैसे मैं चेक कर रहा हूँ, जैसे 27 पे चेक किया इनको लेकर के, ऐसे में कई बार मिल जाते हैं और हमको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और अभी जब नहीं मिला है तो कुछ और ट्राई करना होगा, जैसे कि यहाँ हमको दिखाई दे रहा है कि हम 2 3 3 ले लें, 3 2 2 ले लें तो कुछ बन सकता है, 3 2 2 ले लें, 3 2 6 2 12 हो जाएगा, और 3 3 9 18 हो जाएगा, 18 और 12 मिल गया, 18 में 12 गया 6 मिल जाएगा। सो ऐसे कुछ करना होता है, तो ये रफ वाला काम है, आप उसको रफ में ही करेंगे। तो यहाँ पे बी स्क्वायर हो जाएगा, पहले बड़ी गिनती रखते हैं जो कि 18 हो जाएगी बी, और माइनस 12 बी लगाना पड़ेगा। अब माइनस 12 216 है बराबर 0। अब यहाँ पे बी कॉमन लेंगे तो बी प्लस 18 बचेगा, और यहाँ पे माइनस 12 कॉमन लेंगे तो बी प्लस 18 बचेगा बराबर 0 हो जाएगा। अब बी प्लस 18 पूरे में कॉमन हो जाएगा और बी माइनस 12 यहाँ पे बचेगा बराबर 0। यहाँ पे लिखेंगे यदि बी प्लस 18 बराबर 0 तो b बराबर हो जाएगा माइनस 18, और यहाँ पे लिखेंगे इसको अमान्य, जो 18 हो जाएगा वो अमान्य होगा, क्योंकि माइनस में वर्ग की भुजा नहीं हो सकती है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे यदि b माइनस 12 बराबर 0 है तो b बराबर हो जाएगा, इसको कोष्ठक में लिखना चाहिए था, b बराबर 12। यहाँ पे b बराबर 12 मिल चुका है। अब क्या करेंगे, अगले पेज में हमको लिखना चाहिए, अभी जगह तो यहीं पे लटकाते हैं, यहीं पे लिखते हैं। ए का मान नहीं, बी का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो यहाँ पे ए बराबर मिल जाएगा 6 प्लस बी बराबर 12, तो 12 6 18, यहाँ पे 18 मिल जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे तह पहले वर्ग की भुजा बराबर 18 मीटर, दूसरे वर्ग की भुजा बराबर 12 मीटर, ऐसे लिख लेंगे आप और वहां पे आंसर लिखेंगे। सो इतना सा करना है आपको। अगले प्रश्न पे चलते हैं जो कि है कुछ ऐसा, देखेंगे
कहाँ कहाँ गया है कि ये जो पांचवें का गा है, पानी से भरे अर्धगोलीय टैंक को एक पाइप द्वारा 3/4/7 लीटर प्रति सेकंड की दर पे खाली किया जाता है, और टैंक को पूरा खाली आधा खाली करने में कितना समय लगेगा? तो टैंक को आधा खाली करना है मतलब उसका आधा आयतन निकालना है, और ये जो आयतन दिया गया है अभी मीटर क्यूब में मिलेगा, हमको लीटर क्यूब लीटर में बदलना होगा तभी काम बनेगा। तो उसके लिए करेंगे क्या, करना क्या है, चलिए लिखते हैं एक तरफ से। पहले बात तो गोले का अर्धगोले का त्रिज्या लिखते हैं, ब्यास दिया है ब्यास लिखते हैं, त्रिज्या लिखते हैं, आयतन लिखते हैं, उसके बाद लीटर में बदलते हैं। तो जी यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, अर्धगोलीय टैंक, अर्धगोलीय टैंक का व्यास दे रखा है, वो दिया है 3 मीटर, लिखेंगे त्रिज्या बराबर 3/2 मीटर, और इसके बाद लिखेंगे आयतन, अतः आयतन ये हो जाता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पे 2/3 × 22/7 और यहाँ पे हो जाएगा आर की जगह पे 3/2 × 3/2 × 3/2 3 × 3 = 2, 2 × 2 = 2 कट गया, 2 से ज्यादा कटोगे 11 मिल जाएगा, और नीचे 7 × 2 = 14 दिखाई दे रहा है, 3 × 3 = 9, 9 और 11 गुणा करोगे 11 × 9 = 99 मिल जाएगा। इतना मीटर क्यूब मिल गया हमको आयतन इसका। अब जब आयतन मिल गया है ना, तो एक चीज और, इसकी धारिता, इसको धारिता कहा जाता है। तो धारिता क्या होती है, लीटर में होती है। अब यहाँ पे लिखेंगे चूंकि 1 मीटर क्यूब = 1000 लीटर होता है, इसलिए धारिता बराबर हो जाएगी 999/14 × 1000। ये क्या बन गया, अपना लीटर में बन गया। ओके, तो जो मीटर क्यूब में था वो लीटर में बदल गया। तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा 14 लीटर, ये हो गया इसकी धारिता। अब ये जो पाइप है, अच्छा इसकी आधी धारिता निकाल लेते हैं, टंकी की आधी धारिता ये क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि टंकी उसे आधा ही खाली कर रही है, मतलब जो पाइप लगा है वो आधा खाली कर रहा है। तो 99,000 ऐसा पड़ा रहने दीजिए, 2 × 14 कर दीजिए, और यहाँ पे ना 99,000 इसको पड़ा रहने दीजिए, काटे पीटेंगे हम बाद में, ठीक है, 14 × 28 लीटर कर दीजिए। अब यहाँ पे चूंकि पाइप के पाइप की निकासी क्षमता, ये जो क्षमता है वो है कितनी, 3/4/7 लीटर/s, तो यहाँ पे हो गया कितना, 7 × 21 = 25/7 लीटर/s, तो यहाँ पे आधी टंकी खाली करने में लगा समय, ये कितना हो जाएगा, कुल जितना है उसको ऊपर लिखेंगे, 99,000/28 को ऊपर लिखेंगे और 25/7 को यहाँ पे नीचे लिख देंगे, ये मिल जाएगा हमको सेकंड में उत्तर। अभी क्या करेंगे, 99,000 को यहाँ पे ऐसे लिख दिया, 28 ऐसे नीचे आ गया, ये उलट के गुणा हो जाएगा, 7 ऊपर चला जाएगा, 25 नीचे आ जाएगा, 7 × 28 = 4 मिल गया, 25 × 100 मिल गया, यहाँ पे देखेंगे इतना 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 बना है, 25 × 100 2 जीरो से काट डालेंगे, तो 990 सेकंड हमको मिल चुका है। अब चूंकि 990 सेकंड है, तो सेकंड को ज्यादा दिखा पाना थोड़ा सा ठीक ठाक नहीं है, हम मिनट में भी बदल देते हैं। मिनट में बदलने के लिए करेंगे क्या, ये 990 जो सेकंड है इसको 60 से भाग करेंगे, क्योंकि 60 एक मिनट में 60 सेकंड, 60 से भाग करेंगे, 60 × 1 = 60, बचेगा 9 × 3 = 0, 6 × 36 होता तो 6 बार जाएगा,
तो यहाँ पे 36 यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे 3, यहाँ पे खत्म, ये शेष फल जो बचा है। अब देखिए 16 जो है पूरा पूरा है और 30 जो है आधा अधूरा है, तो यहाँ पे जो 16 मिल गया है वो हो जाएगा 16 मिनट, ठीक है, और 30 जो मिला है सेकंड हो जाएगा, सेकंड ये हो जाएगा हमारा आंसर। सो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा पूरा सवाल कैसे करना है, कैसे इसका उत्तर प्राप्त करना है। और आगे छठवीं और सातवीं सवाल को बताने के बाद अभी सीरीज को कर देते हैं बंद, क्योंकि 2017 खत्म करने के बाद अब 16 नहीं शुरू करना चाहते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपके पास कोई विशेष सवाल है जो 16, 17, 16, 15, 14 आगे कहीं पे है जो पूछना चाहते हैं, उस एक विशेष सवाल के लिए आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस सवाल को बता दूंगा। लेकिन आपको वीडियो में बता दिया है कि अब मॉडल पेपर पर ज्यादा फोकस करना है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस करना है, बाकी पे ध्यान नहीं देना है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, शेयर जरूर कीजिएगा।